हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी के सभी। आई होप सारे यार बढ़िया होंगे। तो गाइस आज की वीडियो में एंजल की पुरानी स्टोरी पता चलने वाली है आपको, तो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन है क्लिक करो, बेल आइकन प्रेस करो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो चलिए यार आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, वो इधर रहती है पर कहीं दिखाई नहीं दे रही। वही कार्लो, रोजोक में जाके चेक किया? सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? हाँ भाई, सब ठीक चल रहा है, चेक कर लिया मैंने। और नोवो? नोवो का रह गया, वहाँ भी जाऊँगा। अरे तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? बस ऐसे ही बात कर रहे थे, फिर एंगल में कोई पंगा तो नहीं चल रहा। अच्छा कार्लो सुनो, तुम्हें मेरे से सीखना था ना कैसे पावर यूज करते हैं। हाँ चाचा, मुझे सीखना था। तो चलो फिर ट्रेनिंग पे, आज मैं फ्री हूँ। अरे वाह चाचा, ऐसे ही तो वेट था। चलो फिर जल्दी। ठीक है फिर तुम लोग जाओ ट्रेनिंग करो, मैं यहाँ पे सब संभालता हूँ। चलो भैया हम भी चलें अब। हेलो भाई सुनो, अब ये कौन बोला? भाई एंजल इधर ही रहती है क्या? हाँ वो यहीं पे रहती है, पर तुम कौन? मैं उसका दोस्त हूँ। वो घर पे है क्या? ना, अभी तो वो कहीं बाहर घूमने गई है, उसको टाइम लगेगा आने में काफ़ी। कब आएगी ये बता सकते हो? अभी इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है उसके बारे में? अभी पता चल जाएगा। सो गाइज, मुझे कुछ टाइम से बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप लोगों को मुझसे बात करनी है पर्सनली, फेस टू फेस। लेकिन गाइज सभी से एक साथ तो बात नहीं कर सकते, तो इसलिए एक नई एप्लीकेशन आई है जिसका नाम है फैन कॉल, और ये काफ़ी कूल ऐप है एंड एक इंडिया का स्टार्टअप का आइडिया है। और हाँ गाइज, ये इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट ऐप है जो यूट्यूबर्स को अपने फैंस के साथ कनेक्ट करती है डायरेक्ट वीडियो कॉल से, जिसमें आप अपने फेवरेट यूट्यूबर को पर्सनल एंड सिक्योर वीडियो कॉल बुक कर सकते हैं। तो देख सकते हो गाइस कितना आसान है ये। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। रजिस्टर करिए एंड मेरे चैनल का नाम सर्च करिए और फटाफट मेरे स्लॉट्स बुक करिए। और हाँ गाइस, जो फर्स्ट 10 बुकिंग होगी वो एकदम फ्री है, तो जल्दी करो। और फर्स्ट 3 पेड वीडियो कॉल वालों को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा, तो टाइम याद रखना, भूलना नहीं। तो मिलते हैं फैन कॉल पे। अरे हम यहाँ लिविक में क्या कर रहे हैं? हमें तो एरेंगल जाना चाहिए था। मैं एरेंगल इसलिए नहीं गई क्योंकि वो लोग मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं, और मैं नहीं चाहती कि एरेंगल के लोगों को मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अरे वहाँ पहुँच गए तब तो और मजा आएगा, वहाँ पे सारे अपने ही लोग हैं, उनको टिकने नहीं देंगे अपने आगे। ये मेरी प्रॉब्लम है इसीलिए इसे हैंडल भी मैं ही करूँगी। आखिर प्रॉब्लम है क्या? वो जो लड़का दिखा था वो, या फिर कोई और? देखो अब मेरे से छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं छुपा नहीं रही, बस ये एक बहुत पुरानी बात है। हाँ हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तुम बता सकती हो अपनी बात। तो ये बहुत पहले की बात है, जब हम चारों की टीम हुआ करती थी। इस टीम में ब्लैक टेबल, मैं, आइसमैन और विंटर क्वीन, जो कि इस ग्रुप की लीडर थी। हमारा काम लोगों को बचाना था। लोगों को बचाना? आखिर किससे? उन मॉन्स्टर्स से जो ब्लैक वर्ल्ड से आए थे। वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते थे, उनका एक ही बार किसी भी इंसान की जान ले सकता था, और वो किसी को भी अपने वश में कर सकते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बचाया। आखिर ये चीज है क्या? अच्छा किया भाई आप टाइम पे आ गए, वरना ये तो मुझे मार ही देता आज। अरे इस मॉन्स्टर ने तो इस पे हमला कर दिया, इसे बचाना पड़ेगा। अरे तुम ठीक तो हो? थैंक यू एंजल, तुमने मुझे बचाया इससे। कोई बात नहीं, सब ठीक चल रहा था, हम सब की हेल्प कर रहे थे। अब पता नहीं कि विंटर क्वीन को क्या हुआ, वो ये काम अब नहीं करना चाहती थी, अब उसे सिर्फ यूं ही कमाना था, लेकिन गलत रास्ते से। अरे विंटर क्वीन तुम यहाँ कैसे? चुपचाप यूं ही निकाल ले जितनी भी है, वरना यही के यही तेरा भेजा खोल दूंगी।
अरे डेविल भाई तुम्हें क्या हो गया? अबे जितनी भी यूसी है जल्दी निकाल। और इसी गलत काम में ब्लैक डेविल और आइस मैन ने भी विंटर क्वीन का साथ दिया था। हद तो तब पार हुई जब इन लोगों ने यूसी के लिए लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। देखो इस तरह किसी को यूसी के लिए मारना ठीक नहीं है, ये काम बंद कर दो जल्द से जल्द। ये काम कभी भी बंद नहीं होगा, और अगर तुम बीच में आई तो फिर तुम जानती हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। सबको बचा बचा के यूसी नहीं कमाई जाती, समझी एंजल? अब हम अपने तरीके से काम करेंगे, और हाँ अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है काम तो तुम जा सकते हो यहाँ से। उस वक्त मैं बहुत अकेली पड़ गई थी, और फिर मुझे बाद में याद आया कि एक बहुत बड़े शक्तिशाली बाबा हैं, जो इन तीनों से सबको छुटकारा दिला सकते हैं। एंजल बेटा, आज आखिर मेरे पास कैसे आना हुआ? पापा जी मुझे हेल्प चाहिए, ये काम मैं आपके बगैर नहीं कर पाऊंगी। पहले मुझे पूरी बात बताओ। मेरे तीनों दोस्त वीकेंडी में सबको मारते जा रहे हैं यूसी के लिए, और उनके पास इतनी खतरनाक पावर्स हैं कि मैं लड़ भी नहीं सकती उनसे, तो इसीलिए उनको रोकना ही होगा बाबा जी। अच्छा, ये तो बहुत गंभीर समस्या है, इसको हल करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर तुम्हें एक काम करना होगा, उन तीनों को कैसे भी गुफा के अंदर ले आना, उसके बाद मैं देख लूंगा उनका क्या करना है। ठीक है बाबा जी, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। अरे वाह एंजल, जगह तो काफी अच्छी है, अपना बेस बनाएंगे यहाँ पे। अरे ये कैसी आवाज थी? अरे बाबा जी आपने तो कमाल ही कर दिया, तूने हमसे चलाकी करी, तेरी इतनी हिम्मत। हमें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये ऐसा करेगी। विंटर क्वीन तुम यहाँ से निकलो, मैं इनको संभालता हूँ। वो निकलने नहीं चाहिए हमारे हाथ से, उसको पकड़ो। तो उससे क्या लड़ रहा है, मेरे से लड़के दिखा। बुड्ढे तेरे को तो छोड़ूंगा नहीं, अभी पता चल जाएगा बेटे। एंजल बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ पापा जी मैं ठीक हूँ। पापा जी विंटर क्वीन का क्या हुआ? उसका भी कर दिया इलाज, पर बेटा मुझे अभी भी एक डर है, इन सभी को तो अभी के लिए कैद कर दिया, अगर फ्यूचर में कोई आके इनको छेड़ता है तो ये फिर से आजाद हो जाएंगे और ये फिर से तबाही मचाने लगेंगे, और उस समय शायद मैं जिंदा भी ना रहूं। पापा जी आप एक काम करिए, आप मुझे भी यहाँ पे कैद कर दीजिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा मैं नहीं कर सकता। ताकि फ्यूचर में अगर ये लोग आजाद हुए तो इनको रोकने के लिए मैं भी यहाँ पे ही होंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। ब्लैक डेविल जो पहले आजाद हुआ था इसको तो लगा दिया ठिकाने, और अब ये दोनों जिनका मुझे डर था ये लोग अब वापस आ चुके हैं, इनको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अच्छा वो तुम्हारे पीछे पड़े हैं, पर उनको कहीं से ये पता चल जाए कि हमारे और भी लोग हैं और वो उनको नुकसान पहुंचाने वहाँ पे पहुंच जाए तो फिर क्या करोगी? तो इसलिए वहाँ पे जाके हमको चेक करना ही होगा। हाँ ठीक है चलो। अब जल्दी से ये बता एंजल इस समय किधर है, अगर मुझे पता होता तब भी मैं तुझे नहीं बताता। टेंशन मत ले, जब तू ठंड से मरेगा तब सारी चीजें बता देगा। तो
फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, जिन जिन भाई ने इस वीडियो में हेल्प करी है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैनल का, तो एक बार उनका चैनल भी विजिट कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। वो भी बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनवाने में। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।